7 न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त हम भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष कमलेश्वर देवलिया जी से बात करना चाहते हैं। इन समस्याओं को लेकर वो हमारे स्टूडियो में आए। बताएं आप, मैं कमलेश्वर देवलिया जी, आप बताएं कि आखिर क्या बात है कि किसान क्यों परेशान है। आप भारतीय जनता पार्टी के एक ओहदेदार नेता है, आपके ही उसमें क्यों परेशान है जनता? नहीं, जनता परेशान नहीं है ना, किसान परेशान है, क्योंकि व्यक्तिगत मामले हैं जो शासन उनको व्यक्तिगत रूप से नहीं निपटा पा रहा है। क्योंकि क्या है कि सेंद्री मुड़ारा मार्ग सन 66 में गिरा था, क्योंकि आम रास्ताओं से नज गिर के लोगों की पटेती की जमीनें उसमें चपा दी गई। चपा देने के बाद उस समय लोगों को ये इतनी प्रफुल्लता थी कि लोगों ने उन्होंने आश्वासन दिया कि हम आपका मुआवजा दे देंगे। क्योंकि मुआवजा शासन की मंशा उस समय ठीक नहीं होगी और लोगों ने उस समय उत्तेजित नहीं हुए होंगे, क्योंकि चूंकि रोड बनना बहुत बड़ी बात थी 66-67 में। क्योंकि रोड जब बन गए और छोटा छोटा रोड बन गया, कच्चा रोड रहा, एक बस चलती रही, तो लोगों ने उसका अनुमान नहीं लगाया कि पैसा मिल जाएगा। पैसा भी थोड़ा बहुत मिलता था, ज्यादा मिलता नहीं था। अपनी बात को संक्षिप्त में बताया, लेकिन उन्होंने भी जाने किस मजबूरी में, कलेक्टर की मजबूरी में, मैंने कमिश्नर को प्रशासनिक, आप यहाँ के ओहदेदार नेता हैं, आखिर क्या बात है कि आप अपना प्रशासन पे पकड़ नहीं बना पा रहे हैं? अब उसमें प्रशासन के जो माने कर्मचारी हैं उनकी मानसिकता शायद कुछ गड़बड़ हो। किस तरह लेने देने वाली मानसिकता, अगर लेने देने का ऐसा कोई मेरे सामने विचार तो नहीं आया है, लेकिन वो क्योंकि प्रशासन में ऐसी लोगों की जो किसानों से बात करते हैं तो वो सुनाते हैं कि उनकी मानसिकता ठीक नहीं है। इसके लिए भी अपन एक दो दिन में, चार दिन में के बाद अगर नहीं होगा आपके तो कंटम ऑफ कोर्ट करेंगे। आपके अभी अभी की बात है कि एक किसान को आपके यहाँ पे पकड़ के जबरदस्ती शासन के द्वारा बंद किया जाता है, सुनने थाने में बंद किया जाता है, आप लोग आंदोलन नहीं कर पा रहे। अगर किस दबाव में आप लोग हैं ऐसे कि आप आखिर इतना क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आप ऐसा सुनने में आया है कि तीरथ सिंह यादव जी को यहाँ की पुलिस ने गुमराह करके और यहाँ के अमले ने PWD के और राजस्व विभाग ठेकेदार की सांठगांठ से, जो ठेकेदार है उसकी सांठगांठ से उसे रोड डालना था, उसमें अधिकारी मिल गए और मिलने के बाद शायद कार्रवाई की है उनके खिलाफ। उसके मामले में मैंने SDM से भी कहा था और अन्य पदाधिकारियों से भी कहा था और मैंने अपने भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री से भी कहा था किसानों के साथ ये अत्याचार बंद होना चाहिए। अभी वैसे ही भाजपा के ऊपर लोक विरोधी दल आवाजें उठा रहे हैं, इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए और उन्होंने आश्वासन दिया था कि निवाड़ी जिला बनने वाला है। निवाड़ी जिला बनेगा और बनना चाहिए, ये अच्छी बात है। नहीं, जिला बनेगा, हाँ बनेगा, बिल्कुल बनेगा। कमलेश्वर देवलिया जी पूरा कार्रवाई, चूंकि शासन के स्तर पर कार्रवाई हो चुकी है। क्या कार्रवाई की शासन ने? शासन ने जमीन अलॉट के लिए जगह दी थी, वो यहाँ से स्वीकृत होकर के, माने वो यहाँ से प्रस्तावित होकर के प्रशासन। लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री झूठी वादे कर देते हैं और इसके बाद वो कुछ नहीं करते। जो लोग कहते हैं उन्हें ये बात का ज्ञान नहीं है कि परिवार में 5 परिवार के पुत्र होते हैं, बहुएं होती हैं, सबकी मानसिकता, मान लो आर्थिक स्थिति कभी समय पर आती कभी नहीं आती है, तो उसे आगे पीछे किया जाता है। मुख्यमंत्री ने जितने भी आश्वासन किए हैं, जिसको जिसको जो जो भी दिया, यदि निवाड़ी जिला नहीं बन पाता है तब भी भाजपा को रहना है और जीतेंगे। भाजपा आगे पीछे बनेगी, 2 महीने बाद बनेगी। क्या कारण है कि आपको बहुत पीछे कर दिया गया है भारतीय जनता पार्टी? अभी तक आप कर्णधार नेता थे, यहाँ भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेने वाले पहले व्यक्ति थे कमलेश्वर देवलिया। क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी आपको निगलेक्ट करने की उसमें? भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल निगलेक्ट नहीं किया है, नए नए लोगों की वजह से लोग आपको, विधायक के द्वारा किया गया, नए नए लोगों से के द्वारा आपको या आपके, हम माने कि यहाँ को लगता है हमें ऐसा लगता है। हम इस चीज को माने कि यहाँ के जो यहाँ के माननीय विधायक जी हैं उनके द्वारा आपको, नहीं माननीय विधायक नहीं, पहली बार विधायक बने हैं, क्योंकि उपेक्षा इस बुंदेलखंड के इस निवाड़ी विधानसभा क्षेत्र की उपेक्षा हुई है। बार-बार समय जब सरकार आई है तो विपक्ष के विधायक बने हैं। आप जी बताइए, जब आपकी बार बने हैं, क्या कारण है कि ओहदेदार नेता जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का झंडा थाम के इस क्षेत्र का बहुत प्रतिनिधित्व किया है, उन्हीं को क्यों दरकिनार किया जा रहा है? जैसे रामनारायण जी दुबे, कमलेश्वर देवलिया। क्या है कि जब देश स्वतंत्र हुआ था तो चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने नहीं सोचा था कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, हमारे पुत्र बनेंगे,
लेकिन ये भाग्य और किस्मत का खेल है। जब समय आता है तो समय की पहली और भाग के बिना कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमसे लोग रंगा बिल्ला कहते थे, हम रामनारायण दुबे अकेले घूमते थे, आज हमारे साथ बहुत बड़े कार्यकर्ता हैं, बहुत बड़ी फौज है गांव-गांव में। शायद आपकी फौज आज उस स्थिति में उनके साथ जुड़ी होती है। नहीं, बहुत सब आपको लगता है कि नहीं जुड़ी है, अनिल जी अच्छा काम कर रहे हैं, जुड़ी तो होगी, ऐसा नहीं है कि होगी। हाँ, अब वो जुड़ी है, जुड़ी है, अब वो उनसे पता चर्चा करेंगे कि जुड़ी है कि नहीं जुड़ी है, पता चलेगा। आपकी बात में कुछ विरोधाभास लग रहा है। नहीं, मुझ में विरोधाभास कुछ नहीं है, वो नल जल योजना, वो हमारा छोटा भाई है नल जल, और वो अगर कभी कभी गलतियां करता है तो हम सामूहिक मनुष्य है, मनुष्य के ऊपर गलतियां, तो विधायक है हमारे क्षेत्र के, सम्मानीय विधायक, विधायक है तो हम उनको भी विधायक मानते हैं। नहीं, आप तो मानते हैं, आप मानेंगे पार्टी के नेता है आप, उनकी मानते हैं, उन्हें विधायक है, और विधायक अच्छा काम कर रहे हैं, उन्होंने जो कुछ होती है तो पार्टी में बैठ करके उस पर निर्णय होते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपसे कहीं आपसे आपके मतभेद है तो आप वहीं के वहीं निपटा लेते हैं पार्टी के कार्यालय, वो बैठ करके कोई ना कोई तो निपटाता है जब वो सामने आता है, बाद में अगर असमंजस की स्थिति पे। क्या कमलेश्वर देवलिया उसको निपटाते हैं? कमलेश्वर देवलिया को अगर पार्टी की तरफ से गाइडलाइन मिलेगी तो अपन भी निपटा सकते हैं। क्या बात है कि जल नल योजना अभी तक आपकी चालू नहीं हो पा रही है? उसमें क्या है कि समय लगता है, चूंकि लंबी यात्रा है, लंबा समय है, लंबा पैसा है, और चूंकि दो चार एक आध महीने के अंदर चालू हो जी। आप INC7 हमारे तरीजर कला में कुछ क्षेत्र में चालू हो गई। INC7 न्यूज पर आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद, आपको शुभकामनाएं, आपकी न्यूज को शुभकामनाएं, और अच्छी प्रगति करें, इस क्षेत्र की आप बातें बराबर निकालते रहें तो ये क्षेत्र जो पिछड़ा है वो पिछड़ा नहीं रहेगा। आपकी ही जवाबदारी और आपके ऊपर ही वजनदारी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।